स्वयं रक्षा करेंगे। देखो गीता में भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में यदि मरना भी पड़े, सर काटाना भी पड़े, तो सर कटा लेना चाहिए। स्वधर्म श्रेय निधनम पर धर्मो भयावह, यदि अपने धर्म में मरना भी है तो श्रेष्ठ कर है, और दूसरे अपना धर्म छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपनाना ये हमारे लिए अरिष्ट कर देगा। तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, और यही गोस्वामी तुलसीदास जी मानुष में कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म कहानी अबाढ़े असुर महाअभिमानी। तो ये असुर आकर के बड़ा उपद्रव मचाने लगते हैं। रावण इधर राम को आना पड़ा, रावणाद राक्षसों का वध करना पड़ा, और वही राम कृष्ण के रूप में आकर के और इधर कंसादि को वध किए हैं। उसे कहने का मकसद मेरा ये है कि भगवान केवल रावण कंस को मारने के लिए नहीं आते हैं। अरे अरे भाई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटि टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, उसको रावण कुंभकर्ण क्या बात है, रावण कंस क्या बात है। अरे भाई, मच्छर को मारने के लिए क्या तलवार उठाने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, तो ऐसे रावण कंस कौन है। भगवान तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान तो इन की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। वो भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। सो केवल जैसे भक्तों को सुख मिले, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान सुखदेव जी कहे, राजन ये कंस के अत्याचार से पृथ्वी भार से भरित हो गई, और ये कंस राकंस आदि का अत्याचार पृथ्वी सहन नहीं कर पाई, और पृथ्वी में इतना भार हो गया तो पृथ्वी को लोक धाम गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई है, और ब्रह्मा के पास सब देवता आ गए हैं। पृथ्वी ब्रह्मा के पास आके रोने धोने लगी है। तो ब्रह्मा ने कहे, मोर न कछु सहाई, हम तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, फिर चलो देवाधिदेव महादेव के पास चलते हैं। सब देवता भगवान शिव के पास आए, और शिव जी से कहने लगे कि भाई इस पृथ्वी का भार कौन वहन करेगा, पृथ्वी रो रही, इसका सहायता करना है। तब भगवान कहे कि भगवान ही कर सकते हैं। तो बोले भगवान है कहाँ, तो कोई कहे कि भगवान पैनिधि में है क्षीर सागर में, कोई कहे बैकुंठ में है, कोई कहे भगवान साकेत धाम में है। तो भगवान शंकर कहे कि भगवान है कहाँ नहीं, भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो देखो सब जगह व्याप्त है, और भगवान ऐसे प्रकट होते हैं जिनमें प्रगट आगी, जैसे आगी प्रकट होती है, आगी काष्ट में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, आगी माचिस के तीली में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। जब माचिस के तीली को खर्चेंगे तब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे भगवान का
भक्त जब भगवान की भक्ति भजन साधना करेगा भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान भक्तों के सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो अब भगवान उसी समय देवताओं की स्तुति सुने और भगवान श्रीमन नारायण ने आकाशवाणी किए कि देवताओं अब हम तुम्हारी सब बात सुन लिए हैं, हम अब यदु के कुल को उजागर करने के लिए अवतार लूंगा। देखो भगवान राम रघु के वंश को उजागर किए, इसलिए भगवान राम का नाम रघुकुल, भगवान राघवेंद्र हुए, और भगवान कृष्ण यदु के वंश को उजागर किए, इसलिए भगवान का नाम यादवेंद्र है। भगवान यादव नहीं है, भगवान अहिर नहीं है, क्या याति के पुत्र याति क्षत्रिय है, याति के पुत्र यदु और यदु के कुल में भगवान आए हैं, तो इसलिए भगवान यादवेंद्र हुए। भगवान कृष्ण अब ऐसा भगवान आश्वासन दिए और देवताओं को कहे तुम अपने एक एक रूप में ग्वाल वाल और गोपिया बनकर के ब्रज में हमारी सेवा के लिए चलना, ऐसा भगवान आश्वासन दिए। और इधर समय आने पर देखो मथुरा और आगरा ये दोनों एक ही है, तो आगरा के राजा सूरसेन और सूरसेन के वसुदेव, और इधर उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक और देवक की बेटी देवकी, तो देवकी का बड़ा धूमधाम से ब्याह किसके साथ हुआ, वसुदेव के साथ हुआ। इधर उग्रसेन की पत्नी पद्मा और पद्मा के गर्भ से कंस हुआ, और ये कंस कैसे हुआ, क्योंकि जब एक बार पद्मा जंगल में लकड़ी बिनने गई थी और एक यक्ष ने पद्मा के साथ व्यभिचार करना चाहा, पद्मा ने डांटी कौन है तेरे से हिम्मत हमारे साथ करने को, तो उसी समय यक्ष ने कहा कि मैं मेरे अंश से पुत्र होगा, तो पद्मा ने पुत्र अभिलाषणी के कारण यक्ष को कुछ नहीं कही और वही गर्भ रुक गया। समय आने पर कंस हुआ, कम सुखम स्याति नास्यति इति कंस है, कंस का नाम ऐसा है जो सुख को नष्ट कर दे, आनंद को खत्म कर दे, अत्याचार फैला दे, यही तो कंस है। और ये कंस हुआ। अब इधर देवकी का ब्याह वसुदेव के साथ बड़े धूमधाम से हुआ, और इधर कंस इतना प्रेम देवकी से कर रहा, कहा कि आज मैं बहन से बहुत प्रेम कर रहा हूँ, आज हम विदाई से हम अपने रथ में बैठा करके रथ स्वयं खींच करके ले जाऊंगा। और कंस ने देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके और स्वयं लेके चल दिया। लेकिन इधर देवताओं में खलबली मच गई, जब मथुरा से आगरा के बीच में रथ लेकर के कंस चला, तब इधर देवताओं आकाश मार्ग से देखे, बोले सब अनर्थ हो जाएगा। बोले क्यों, बोले ये कंस देवकी से इतना प्रेम कर रहा है और यही देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आएंगे, फिर भगवान कृष्ण कंस को कैसे मारेंगे, ये ठीक नहीं है। तो देखो देवता ने किसी का प्रेम देवताओं से, किसी का आनंद देवताओं से देखा नहीं जाता। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने को हुआ तब देवताओं में खलमली मच गई, बोले राम देखो राज्य की गद्दी में बैठेंगे, रावण राक्षस कैसे मारेंगे। तो चोरे गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि चोरे चंदन रात न भावा, बोले यहाँ चोर कौन है, बोले देवता चोर है, और यहाँ चांदनी रात्रि कौन है, बोले राम जी का राज्याभिषेक। चोर को चांदनी रात्रि प्रिय नहीं है, बोले क्यों, बोले कि जब अजोरी रात्रि रहेगी तो चोर चोरी कैसे करेगा, पकड़ा जाएगा। तब सरस्वती को प्रेरित किए। इधर देवता कंस का प्रेम देख करके देवताओं से सहन नहीं हुआ, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिए, हे कंस तू जिससे इतना प्रेम कर रहा, गर्भावस्थायाम अष्टयाम पुधा है, तेरा यही देवकी के गर्भ से अष्टम गर्भ तेरा काल होगा जिससे प्रेम कर रहा। इतना सुनते ही कंस तिलमिला पड़ा, कंस रथ से कूद पड़ा, रथ कंस का मुकुट गिर गया, कंस म्यान से तलवार निकाला और देवकी वसुदेव को रथ से खींच करके बाहर किया, और अब तलवार
देवकी के सिर पे पड़ने ही वाला है। उसी समय देवकी कुछ बोल नहीं रही है, देवकी कहना चाहती है, अरे वसुदेव जी आप हमारे आप पतिदेव हैं और समय आने पर हमारी हमारा हर घड़ी हर समय रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है, आपका दायित्व होता है, क्योंकि पति का कर्तव्य है पत्नी का हर समय हर घड़ी सुरक्षा करना। लेकिन अभी हमारे हाथ में मेहंदी नहीं छूटी और समय रक्षा के लिए है और आप हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, मुख होके बैठे हैं। और कंस को कहना चाह रही है देवकी, अरे भैया हमने राखी बांधी थी इस हाथ में, राखी का कर्तव्य रक्षा बंधन का ही बहन है, भैया जब भी हमारा हम मुसीबत में पड़ू तो हमारी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व होता है कर्तव्य होता है, आज रक्षा के स्थान पे हाथ भक्षण के लिए उठ रहा है। उसी समय वसुदेव जी कहे, अरे कंस तुम एक दिन चल करके युवराज बनेगा और तुम्हारी एक बहन है, लोग यहाँ से आ रहे जा रहे आगरा मथुरा के मार्ग से, लोग देख के क्या करेंगे, अरे तेरे नाम पे थूकेंगे, लोग क्या कहेंगे कि देखो कंस जो है तो अपनी बहन की सुरक्षा क्या स्वयं अपनी बहन को मारने के लिए उतारू हो गया। देखो अभी तो कंस का कितना प्रेम था, काते खल के प्रीत यथा थिर नाई, दुष्टों का प्रेम थोड़ी देर तक ही रहता है फिर वो अपने स्वभाव के अनुसार वारू हो जाते हैं। अब कंस का थोड़ा प्रेम था और कंस अपने स्वभाव में आ गया। उसी समय वसुदेव कहे कंस, अरे तू बता तुझको किससे डर है, देवकी से डर है कि देवकी के गर्भ से डर है? कंस ने कहा, हमको देवकी से डर नहीं है, हमको तो देवकी के गर्भ से डर है। वसुदेव कहे तो ठीक है, इतना देवकी के गर्भ हो गए बच्चे होंगे वो हम तुमको ला करके सब सौंप दूंगा। कंस ने बात को मान लिया और वसुदेव देवकी को आगरा मंडल जहां की राजधानी है वहां छोड़ आया। और जब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान तो वसुदेव जी लेकर के चले और कंस ने देखा इतना सुंदर इतना सुडोल बालक, अरे इस बालक को क्या ही बालक मेरा क्या बिगाड़ा है, नहीं नहीं ले जाओ ये बालक को हम नहीं मारेंगे। कंस ने उस बालक को लौटा दिया और वसुदेव जी आगरा लेकर के आ गए बालक को लेके। उसी समय नारद बाबा आए और नारद जी ने कहे कि भाई कंस अरे तू बालक को क्यों लौटा दिए? नारद बाबा ने पुष्प लेके कमल का पुष्प लेकर के आए और कहे अष्टम ये पखुड़ी किधर बता, और आठ रेखा खींचे बोले पहला रेखा कौन है, अरे वो देवता है और देवता छल करके वो अष्टम का पहले आ गया। तो और नारद ने कहे कि देख तू पूर्व जन्म में कौन है, पूर्व जन्म में तू कालनेमी था, तेरे सौ मस्तक था और देवासुर संग्राम में तूने तुझको तेरे तलवार से विष्णु भगवान मारे थे, ये देवता तेरे दुश्मन है तूने क्यों छोड़ दिया? ऐसे नारद जी ने पाठ पढ़ाए और अब वसुदेव ने इधर इधर कंस ने तुरंत उस बालक को वसुदेव से बुलवाया है और कीर्तिमान को पैर पकड़ करके पत्थर पे दे पटका है। इस प्रकार से छह पुत्रों को मार डाला कंस ने। ये छह पुत्र है कौन? ये छह पुत्र देखो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए हैं और मरीचि के पुत्र थे ये छह पुत्र। जब ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा किए, सरस्वती इतनी सुंदर, सरस्वती की सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी अपने आप को संभाल नहीं पाए और सरस्वती के पीछे कामातुर होके दौड़े हैं। तो सरस्वती ने कही ए भाई हम तो सबकी हैं और आपकी तो बेटी हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। और उसी समय मरीच के पुत्रों ने देखे अरे बाबा जी आप इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद दाढ़ी, अरे दाढ़ी का तो लाज रखिए। ब्रह्मा ने कहे ए दुष्टो तुम हमको उपदेश देते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और यही छह पुत्र काल नेमी के बच्चे हुए पुत्र हुए और एक बार हिरण्यकश्यपु काल नेमी के राजधानी में घूम रहा था और ये छह पुत्रों ने
काल ने में हिरण्यकश्यपु को प्रणाम नहीं किया। हिरण्यकश्यपु ने कहे तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अरे कोई आए उसको प्रणाम करना चाहिए। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने पिता के हाथ मरोगे। तो यही काल नेमी कंस हुआ है और यही छा पुत्र देवकी के गर्भ में आए हैं और कंस ने ये छा पुत्रों को मार दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करा जाए ये छा पुत्र क्या खट विकार है। जब तक हम खट विकार को नहीं मारेंगे तब तक सच्चिदानंद परमानंद की अनुभूति कैसे होगी। छा पुत्रों को भगवान कंस ने मार दिया है और इधर बलराम जी को भगवान आदेश दिए कि रामावतार में तुम लक्ष्मण थे, शेषावतार थे और जब हमारी लीला पूरी हो गई थी, जब सीता को दूसरी बार वन गमन के लिए हमने कहा था रथ सजाओ और सीता को छोड़ आओ, तब तुमने कहा था कि भैया यदि हम बड़ा भाई होते तो हमारी भी सुनवाई होती। भगवान कहे मेरी लीला तो पूरी कर दिए लक्ष्मण, अब द्वापर में हमारा तुम बड़े भाई बनोगे, ताऊ दादा के नाम से जाने जाओगे और हम तुम्हारा छोटा भैया कन्हैया बनूंगा। आज वही समय आया है। भगवान बलराम को आदेश दिए शेष नारायण को, जाओ आप बड़े भाई बन के जाओ। और इधर बलराम जी भी विचार किए कि हमारे प्रभु को अपनी माँ देवकी के गर्भ में आना है, कंस के अत्याचार से गर्भ दूषित हो गया है, चल करके मैं देखूं कि प्रभु को रहने का कैसे व्यवस्था है। और इधर बलराम जी आके देवकी के गर्भ में पल गए। इधर भगवान योग माया को आदेश दिए, भगवान कहे कि योग माया तुम ऐसा करो जो देवकी के गर्भ में शिशु पल रहा है उसको तुम खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और ये रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि वसुदेव के मित्र नंद बाबा है, नंद बाबा के यहाँ रख आए थे पहले से कंस के अत्याचार से। तो योग माया को भगवान कहे ये गर्भ को तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा के बगल में लेट जाना कन्या के रूप में, और तुम आगे चल करके कलयुग में तुम भद्रा दुर्गा चंडी और इधर विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाओगी। ऐसा ही योग माया ने की है और आकाशवाणी हुआ है, आकाशवाणी कर दी कि सप्तम गर्भ प्लुत हो गया। अब तो कंस बहुत जोर से हंसा, आहा मेरे डर के आगे सप्तम गर्भ से प्लुत हो गया है। और अब अष्टम गर्भ की जब तैयारी हुई तब कंस का नींद हराम हो गया, कंस योग निद्रा में चला गया। कंस यहाँ तक कहा छलिया है, कहीं दाल में जीरा का छौंक लगाने से देखो जीरा काला हो जाता है, ये कहीं दाल में ना जाए, जीरा दाल में छौंक लगवाना बंद कर दिया। कंस का हरी 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 हरी, कंस की नींद हराम है, कंस को सपने भगवान आ रहे हैं। और इधर भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम योनि निहितम सत्य सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु आप सत्य व्रत को धारण करते हैं, आप त्रिकालिक सत्य हैं, केवल आप ही सत्य हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, केवल सत्य भगवान है। और भगवान शंकर भी कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल सत्य भगवान, भगवान का भजन भगवान का नाम है। ब्रह्मा ने गर्भ स्तुति किए हैं और देवकी को आश्वासन किए हैं कि माँ अब तुम डरना नहीं कंस से, अब भगवान आ रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति करके अपने लोक को चले गए हैं। इधर समय अच्छा समय आया है, भाद्रपद अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार, और भगवान कृष्ण ठीक रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रागट होता है, बोले बाल कृष्ण भगवान की। और भगवान देखो भगवान राम हो या कृष्ण हो ये चतुर्भुज रूप में आते हैं। जब चतुर्भुज रूप में आए तो वसुदेव जी देखे आहा तमुद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, ऐसा बालक तो कभी देखा नहीं गया, ये तो बालक चार भुजा
और भगवान चार भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। भगवान चार भुजा में क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे कार्य करने के लिए दो भुजा में हमको कमी होती है, इसलिए मैं चार भुजा लेके आया हूँ। दूसरा भाव भगवान ये बताना चाहते हैं कि चार पुरुषार्थ होता है, तो इसलिए हम चार भुजा लेके चार पुरुषार्थ करने के लिए आते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसलिए भगवान चार भुजा में आए। और भगवान देवकी को ये बताना चाहते हैं, तुम भी साधारण नहीं हो और मैं भी साधारण नहीं हूँ, यदि हम शिशु के रूप में आ जाए तो तू हमको कैसे पहचानेगी और अपने आप कैसे पहचानेगे। इस पहचानने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, फिर देवकी स्तुति की है तो भगवान भुजा छुपा दिए कि जैसे सुलीला भगवान छोटे से बच्चे बन गए। और वसुदेव जी को भगवान कहते हैं हमारी सुरक्षा तुम नहीं कर पाओगे कंस से, तो ऐसा करो सूप में लेकर के आप नंद है और ताला लगा हुआ है, बाहर पहरेदारी है, कैसे मैं जाऊंगा। भगवान कहे अच्छा, और जैसे सूप में वसुदेव जी भगवान को रखे, भगवान का पैर पड़ते हाथ गतड़ी छूट गए, पांव के पैजनी छूट गई है। इधर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया था और उग्रसेन मना ताला टूट गया और इधर सेवक सब सोए थे कंस के, और भगवान को लेकर के वसुदेव जी अपने सिर पे छज्जा में सूप में लेके चल दिए। इधर बलराम जी विचार किए हम बड़े भाई भले हैं लेकिन आकाश में बादल छाए हुए हैं, रिम झिम रिम झिम बारिश हो रही है, कहीं कन्हैया को सर्दी ना लग जाए, इसलिए छत्ता का काम कर लिए। वसुदेव जी शेषावतार हैं, बड़ बड़ा करके ऐसे छज्जा कर लिए हैं और लेके चल दिए वसुदेव जी। आगे जब वसुदेव जी चले तो यमुना जी देखी कि ओहो आज हमारे प्रियतम आ रहे हैं। यमुना जी इतनी उमंग प्रसन्नता अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो यमुना जी इतनी एकदम उमंग में है, लेकिन जब ये सर्प को देखी, हजार फण वाले सर्प को देखी, यमुना जी ने कही इसको मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगी। बोले क्यों? बोले एक तो काली नाग हमारे अंदर स्वयं मौजूद है, इसको मैं ऐसे उछाल मारूंगी ये बाहर रहेगा। लेकिन जब और वसुदेव जी आगे आगे लाला को लेकर के, तो यमुना मैया बोली कि नहीं मैं ऐसी उच्छृंखलता यदि करूंगी तो मेरे कन्हैया हमको आगे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मैं चतुर्थ पट रानी बनूंगी और ये मेरे ससुर हैं, मैं ऐसी उच्छृंखलता करूंगी। तो वसुदेव कहेंगे ऐसी बहू हमको नहीं चाहिए। इसलिए यमुना जी धीरे धीरे अपने उसमें आ गई है, सरलता में सहजता में। लेकिन वसुदेव के गले तक यमुना जी आई है, भगवान कृष्ण यमुना जी का भाव समझे, यमुना जी पांव धोना चाहती है, क्योंकि केवट भी भगवान राम का गंगा जल से चरण धोया है, आज कृष्ण भगवान का यमुना जी स्वयं चरण धोना चाहती है। भगवान सूप से अपना पांव फैला दिए हैं और इधर यमुना जी भगवान का चरण धो करके धीरे धीरे उसक गई है। और वसुदेव जी लेकर के यशोदा सोई हुई थी बगल में लेटा दी और इधर कन्या को लेकर के चल दिए। अब जैसे कन्या को लेकर के आए तो वसुदेव के हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में पैजनी बज गई और ताला लग गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो जब परम ब्रह्म परमात्मा को अपने सर पर रखोगे तो संसार के हथकड़ी पावजनी ताला टूट जाएंगे, ये कोई काम नहीं करेगा। और जब माया को आप अपने सर पे रखोगे तो हाथ में हथकड़ी पाव में पैजनी ये हमेशा लगा ही रहेगा, इससे आप बच नहीं पाओगे। ऐसा वसुदेव को हुआ। और इधर कन्या जब रोई तो इधर सैनिक सब जग गए और सैनिक हो गया पता नहीं क्या हो गया। बोले तू नहीं कहना कहे यदि नहीं कहोगे तो कंस को पता चल जाएगा। चलो कंस को बताते हैं और कंस को जा करके बताए मथुरेश कंस हो गया तुम्हारा काल। उसी समय कंस का मुकुट गिरा, कंस अपना बाल बिखेरते हुए देवकी के पास गया। देवकी अपने बच्ची को लेके छाती में चिपकाए कि भैया तूने मेरे छह छह पुत्रों को मार डाला, छह छह अपने भांजों को मार डाला,
एक ये कन्या तेरी भांजी क्या बिगाड़ी, इसको तो रहने दे। लेकिन कंस एक भी नहीं सुना। कंस ने झिझकोर करके कि देवकी से वो कन्या छीन ली और कंस कन्या का पांव पकड़ा और पत्थर पे जैसे पटकना चाहा, उसी समय कन्या कंस के सर पे लात मार करके आकाश मार्ग उड़ते चली और कहीं किंग मया हत्या बंद जाता है खल तवांत कृता है। अरे दुष्ट है, तूने बहुतों बच्चों को निर्प्राण बच्चों को मारा है, अब हमको मार के क्या करेगा, और तेरा काल पैदा हो गया है और कहाँ पैदा हुआ है ये तुझको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कन्या कह करके आकाश मार्ग मुड़ के विंध्यवासिनी आज विंध्याचल पर्वत में जाके बैठी है और विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। इस प्रकार से और इधर भगवान कृष्ण विचार किए, जिसको हमारी जरूरत थी तो वो तो मेरे को यहाँ लाके रख दिया और ये तो इधर दुपट्टा तान के सोई हुई है मैया सौदा। कन्हैया जैसे रोया, इधर सुनंदा ने देखी और सुनंदा ने तुरंत सुनंदा तो तुरंत झांक ताक में थी और देखी सुडोल सा बालक खेल रहा है, किलकारी मार रहा है। अब तो इधर नंद बाबा माला लेकर के बैठे हुए हैं, नंद बाबा के जाके पीछे से आंख बंद मीच ली है। नंद बाबा कहते हैं तो क्या हुआ, लाला हुआ कि लाली हुआ। सुनंदा ने कही बाबा मैं बाद में बताऊंगी, पहले दोगे क्या। बोले जो तू चाहिए हार, और हार दे दी नंद बाबा ने। अब सुनंदा ने कही लाली नहीं लाला भयो है। अब तो नंद बाबा बड़े उमंग में, अरे आज तो मेरे लाला भयो है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देवे घोड़ा देवे और देवे पालकी, हाथी देवे घोड़ा देवे और देवे पालकी। किसको, बोले जवानों को हाथी और घोड़ा, बूढ़ों को पालकी। बोले क्यों, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज भगवान कृष्ण आज के दिन जन्म लिए, आज हम वही भगवान कृष्ण का गाथा गाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, आज यही भाद्रपद अष्टमी तिथि और भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज आप लोगों को कृष्ण जन्म की कथा सुनाया, भगवान का इसीलिए अवतार होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ निवाड़ी विराम। सब लोगों को बहुत बहुत कन्हैया के जन्म की बधाइयां, शुभकामनाएं, कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई, नंद के लाला की जय, कृष्ण जन्म उत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।